सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत रापचा गांव में 1960 दशक के कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने से विस्थापित हुए ग्रामीणों और विस्थापितों ने रोजगार समेत मूलभूत सुविधाओं की मांग की। बता दें कि रापचा स्थित सामुदायिक भवन में स्थानीय विस्थापितों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा उपस्थित हुए। वहीं बैठक में विस्थापितों का नेतृत्व कर रहे संजय मंडल और मनीष महाली ने बताया कि 1960 दशक में तत्कालीन आयड ने टायो टीजीएस टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स कंपनी स्थापना को लेकर किए गए भूमि अधिग्रहण के बाद कई एक मामलों में वादा खिलाफी की गई, जिसको लेकर यहां के विस्थापित गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क बिजली पानी सुविधा बहाल करने के साथ मालिकाना हक दिए जाने की भी रणनीति तैयार की गई। विस्थापित परिवारों में से सभी सदस्यों को और प्रभावित परिवारों के सदस्यों को इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि 60 के दशक में हमारे पूर्वजों का जो गांव था, पुराने गांव बड़वाद सीधाडी कलकापुर जुरकुली आमडी आपका ऊपरवेड़ा सालडी, इन सब मोजाओं के लोगों को विस्थापित किया गया था आईडा के द्वारा। हमारे लोगों ने देश की प्रगति और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए ही आपका अपना जमीन को अधिग्रहण करने की सहमति प्रदान की थी, किंतु आज आईडा या आपका कंपनी प्रबंधन और जो अनुषंगी इकाई है टाटा कंपनी की या पूर्व में जो उषा मार्टिन कंपनी थी, वो लोगों का तो आप देख रहे हैं कि वो लाखों करोड़ों में उन्होंने अपनी रापचा जो विस्थापित गांव है, इस गांव स्थित सामुदायिक जो भवन है इसमें आज एक दिवसीय है, जो पहले तो था आईडा, उसके बाद अभी जियाडा हो गया, और ये बरसों से लंबित जो समस्याएं हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का, आज भी विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हुआ है, प्रभावित लोगों को रोजगार नियोजन नहीं हो पाया है, और आज यहाँ के लोग बहुत पीड़ित हैं, आक्रोशित हैं। इसके लिए एक प्रस्ताव दिया गया था और मैं विगत दिन